अस्सलामुअलैकुम, बिस्म अल्लाह, मैं हूँ अज़र मोहम्मद कुरैशी। आज है मेरा यूट्यूब चैनल अज़र एच एफ टी वी। सबसे पहले आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा बनने वाली जो भी वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सके। अच्छा, आज मेरे पास ये आया है एम्पलीफायर आया है मस्जिद का। इसका मसला ये था कि इसमें आवाज़ हल्की आ रही है और फटी फटी आ रही है, तो मैंने चेक किया इसका सर्किट वगैरह तो सारा ठीक था, लेकिन ये इसका एसटीआर है 10-1047, ये इसका एक एसटीआर नीचे से जल चुका हुआ है। जब ये इसमें आवाज़ जाती है तो ये हीट होना शुरू हो जाता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके एम्पलीफायर या मस्जिद का कोई एम्पलीफायर आपके पास आ जाए या ट्राई करना चाहें तो अगर उसकी आवाज़ फटी फटी हो तो आपने सबसे पहले ये काम कर लेना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसका बिजली पे इसको अगर चलाना चाहें तो ये इसका बिजली वाला सप्लाई है, तो आगे से ये डीसी होकर देता है, आगे सर्किट चला जाता है। और ये है इसका 12 वोल्ट, नीचे देख लें आप इसका, ये 12 वोल्ट है, बैटरी पे चलने वाला है। बैटरी से इसको यहाँ पर आता है प्लस और यहाँ से नेगेटिव आ रहा है। अगर आप इसको उलट लगा दें तो ये कैपेसिटर वगैरह भी जल सकते हैं, फ्यूज़ वगैरह भी उड़ सकता है। तो उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, इसके साथ ये सायरन की जो है कीटेक लगी हुई है ये, और ये इसका सर्किट लगा हुआ है। तो साथ में ये जो ट्रांजिस्टर है 1047, ये सिर्फ साउंड बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर आपके एम्पलीफायर में किसी जगह कोई मसला आ जाए, जैसे ये ऑन अगर नहीं हो रहा है, अगर ऑन ना हो तो सबसे पहले आपने फ्यूज़ चेक कर लेने हैं। फ्यूज़ चेक करने के बाद आपने सीधा सप्लाई की तरफ जाना, इसको चेक करना। उसके अलावा आपने ये डीसी डाइवर्ट लगा हुआ है, आपने इसको चेक कर लेना है। उसके अलावा अगर आप बैटरी से चेक करना चाहते हैं तो इसकी अगर सप्लाई ना जाए तो आप बैटरी से भी इसको चेक कर सकते हैं। पहले इसका फ्यूज़ चेक करें और उसके अलावा आगे तो इसका डीसी सर्किट है। डीसी सर्किट में से ये चीज़ें जल जाती हैं बाज़ मरतबा उल्टा लगाने से। तो वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, क्योंकि आज रमज़ान है, टाइम नहीं मिल रहा है। मैं काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो दूँ। तो निजी मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं दे सका, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो में कोई कोताही है तब भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं इसी पर ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।